नहीं बेटू आपको नहीं जाना है, बस हम लोग जाएंगे अभी 10 मिनट में आ जाएंगे ना, फिर क्या टेंशन है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली जी, माता दी राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी बज रहे होंगे 10 और मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है, अभी मैं निकलने वाली हूँ। और कहाँ जा रही हूँ आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। और फिर आज मैं सुबह का कोई भी रूटीन कुछ भी इतने जल्दी था ना कि कुछ भी शूट नहीं किए थे, थोड़ा भी ब्लॉग नहीं बनाए हैं। अब जो रास्ते में होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ का थोड़ा बहुत बनेगा तो मिक्स वेज ब्लॉग रहेगा। फिर भी आप फुल वॉच करिएगा और ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं चल रही हूँ, वैसे बहुत जल्दी रिटर्न भी हो जाएंगे क्योंकि मानुष की है तबीयत ख़राब, लेकिन जाना भी ज़रूरी है तो इसलिए जा रहे हैं। तो आप सब ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ जल्दी में फटाफट से हो गए थे रेडी हम, और पूरा काम मेरा फिनिश हो गया है। और काम पूरा फिनिश हो जाए फिर कहीं जाओ ना टेंशन नहीं रहती है। वैसे मम्मी भी अकेले ही घर पे, तो मतलब ऐसे काम छोड़ के जाना अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर यहाँ बस निकलने वाले थे तो एचबी का वेट कर रहे थे, तो आदत होती है ना कि पहले जल्दी जल्दी करो कि जल्दी रेडी हो जल्दी, और जब रेडी हो जाओ तो कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो यहाँ बैठ के करने लगे थे बात, और अभी मैं निकल ली हूँ। तो बस रास्ते में बस चौराहे पे ही है घर चाचा का, समझ लो 1 किलोमीटर दूरी पे है। तो बस हम लोग पहुँच भी गए थे यहाँ, चाची पैर धुल रही थी मेरा। तो ये मतलब समझ लो कोई भी किसी कहीं भी जाओ ना तो पैर धुला जाता है। जैसे अगर मायके जाओ, मायके के रिश्ते से कहीं भी जाओ ना तो वहाँ पैर धुला जाता है, तो अच्छा भी बहुत लगता है। और यहाँ चाची और मौसी, खाना बन के हो गया था रेडी, मौसी निकाल रही थी और चाची बस पकौड़े तल रही थी। और यहाँ हम भी, क्योंकि एचबी को जल्दी था तो वो खाना उनके लिए निकाल दी थी, वो खा के चले गए थे। फिर हम और चाची सब लोग बैठ के साथ में बातें किए और चाय की चुस्की लिए। उन लोगों का ब्लॉग मतलब समझ लो उन लोगों का वीडियो नहीं बनाए हैं क्योंकि पता नहीं वो लोग ब्लॉग में आना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, तो बस इसलिए। और हम जिक्र भी नहीं किए उन लोगों से कि आप लोग ब्लॉग में आना चाहती हैं नहीं, क्योंकि मैं बहुत सोच विचार के ना किसी को अपने ब्लॉग में लाती हूँ। और ये है मेरी छोटी वाली दादी, तो ये जो राम सीताराम लिखा नहीं जाता है कॉपी में वो लिखती हैं, तो वही इनकी 5 कॉपी कंप्लीट हो गई थी, तो जमा कर देती हैं जब कंप्लीट हो जाता है अयोध्या। तो ये कंप्लीट हो गया था तो मुझे दिखा रही थी, और सब में पैसे रख देती हैं और फिर जमा करती हैं, तो वही दिखा रही थी कि देखो मेरा कंप्लीट हो गया फिर से 5 कॉपी। तो ऐसा करना चाहिए, जैसे देखो अगर अपनी अपनी एज हो जाए ना तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस हिसाब से उनका एज है उस हिसाब से बहुत अच्छा करती हैं। और फिर हम लोग आ गए थे घर पे, कुछ ज़्यादा टाइम रुके भी नहीं थे, और जो भी रुके भी थे ना तो सभी लोग थे बातें कर रहे थे, तो मैं कुछ भी शूट नहीं की थी वहाँ। जैसे देखो ऐसा होता है ना, आप लोग समझ सकते हो, कहीं जाओ तो कोई है कि कैमरा के सामने आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, तो इसीलिए सब कोई हम लोगों के जैसे बिंदास नहीं हो सकता है। तो अब बस आ गए थे घर पे और पूरा मेरा काम फिनिश किए, झाड़ू पोछा जो भी करना था पूरा फिनिश किए। और मैं कट करने लगी थी सब्ज़ी, और आज जो मसाले है ना मसाले हो गए थे ख़त्म, जो भी मतलब कुटे मसाले आते हैं पैकेट वाला वो हो गए थे ख़त्म। तो मम्मी बोली यही वाले मसाले बना लो, एक टाइम की बात है, कल तो पूरा 1 महीने का सामान आ ही जाएगा। तो अब मतलब आज तो आ गया, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन आ गया। तो ये मसाले ना अगर खुद से पीस के बनाओ तो मतलब टेस्ट कुछ अलग ही रहता है, और लेकिन मतलब आलस से हम लोग बना लेते हैं वो वाले मसाले, लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। और यहाँ बस मसाले मैं कूट लूँगी और आलू और सेम की सब्ज़ी बनेगी। तो आलू और सेम की सब्ज़ी किन किन लोगों को पसंद है वो लोग कमेंट ज़रूर करना, हमें तो बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों लोगों को। और फैमिली मेम्बर में तो मेरे घर पे तो यही है कि कुछ लोग हैं कि एक दो सामान नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, तो हमेशा कुछ भी बनाते हैं ना तो दो तरीके का सब्ज़ी बनता ही बनता है। तो एचबी नहीं खाते हैं तो उनके लिए दूसरी सब्ज़ी बनेगी, और हम लोगों के लिए बनेगा सेम। और पराठे के साथ ना सेम की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बनाऊंगी पराठे। और यहाँ बस मैं मानस का फरमाइश था, मम्मा थोड़ा सा चिप्स बना दो, तो उसके लिए बस तड़का रखने जा रहे थे, सोचे चलो इसी में थोड़ा सा भून दें, तो उसके लिए। और मैंक मैच खेलने चला गया था, उसको बहुत डांट पड़ी है, तो उसके लिए दोनों लोगों के लिए चाय और चिप्स लेके जाएंगे, और अलग अलग लेके जाएंगे क्योंकि लड़ाई होना तो होना है उन लोगों का। और यहाँ साथ साथ सब्ज़ी का तड़का भी दे के जाएंगे। और अभी ना कहीं भी चले जाओ तो आओ तो खुद मतलब
कितना भी नज़दीक जाओ या कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसे होता ना, शरीर भारी भारी सा हो जाता है। मेरा तो यही रहता है, क्योंकि मैं कभी कहीं जाती नहीं हूँ। कभी कभी जाती हूँ ना, तो जिस दिन मैं जाती हूँ उस दिन मैं पक्का बीमार रहती हूँ। तो यहाँ मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी, और एक साइड चावल भी पक रहा था, और यहाँ बच्चों के लिए निकाल लेंगे चाय और चिप्स। आप सब भी आके चाय और चिप्स खा लीजिए, क्योंकि सभी लोग चाय पी लिए थे, सिर्फ मयंक नहीं पिया था, तो उसके लिए बना दिए थे चाय। और थोड़ा सा मानस भी पिएगा तो पिएगा, नहीं तो हाँ भाई अगर दद्दा पियेंगे तो मानस भी पिएगा, ऐसा नहीं है। तो दोनों जन के लिए निकाल लिए थे। और यहाँ मैं सब्ज़ी डाल के और फिर चलूँगी आराम से, बच्चों के साथ बैठूँगी थोड़ा, और उन लोगों को चाय दूँगी, चाय पियेंगे, क्योंकि साथ में रहेंगे तो लड़ेंगे ज़रूर। और मयंक आज 5-6 दिनों के बाद आया है, होली के एक दिन पहले गया था, तो आज आया है मामा के घर से। तो भाई बड़े दिनों के बाद आए हैं, तो कुछ अलग ही भाव है उनका, मामा के घर से आए हैं। और यहाँ बस देख सकते हो सब बिखराए पड़े हैं, और यहाँ दोनों जन बैठे आराम से देख रहे थे कार्टून, और दोनों लोगों को दे देंगे। और मानस का चाय लेके नहीं आया है ना, वैसे वाइश म्यूट नहीं किए थे, बट टीवी की वजह से नहीं म्यूट करना पड़ा। और देख सकते हो कितने गुस्से में है कि उनको चाय दी है और हमें चाय नहीं दी है। और मतलब ऐसा है ना कि जो दद्दा खाएंगे मैं वही खाऊंगा, जो दद्दा पहनेंगे मैं वही पहनूंगा, ये वाला सिद्धांत है। तो आवाज़ म्यूट करना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को सुनाते कि क्या रिएक्शन था, क्या बोला था। और यहाँ चल रहे हैं चीकू बंटी, क्या है मुझे याद नहीं रहता है, कार्टून वालों का नाम नहीं याद रहता है। और बच्चे तो सिर्फ कार्टून मिले, उनको सिर्फ कार्टून चाहिए। मानस को अगर कुछ खाना है तो कार्टून, कुछ करना है तो कार्टून। और यहाँ मैं चल रही थी किचन साफ करने, और मयंक बार बार बोल रहा था मम्मा एक पिक ले ले, एक पिक ले ले। मतलब ऐसा होता ना कभी कभी बच्चों की जिद होती है कि नहीं करना है तो करना है, तो इसलिए वो पिक ले रहा था, तो इसलिए ऐसे खड़े थे। और यहाँ मैं लगे हाथ पूरा किचन साफ कर लूँगी, और वैसे तो नवरात्रि आने वाली है ना, घर की सफाई बस शुरू होने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना मैं थोड़ा थोड़ा पहले ही कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है। और यहाँ मैं आप लोगों से कर रही थी बातें, बट ये म्यूट हो गया, ऐसा है पता नहीं क्या हो गया है, म्यूट हो जाता है। और यहाँ बज रहे हैं भी रात के 11, और सभी लोग खाना पीना खा लिए हैं, सभी लोग खा लिए थे। और यहाँ मतलब मयंक आया था ना, तो भाभी गई थी मंदिर, तो तुलसीपुर मतलब देवी पाटन मंदिर गई थी, तो वहाँ से प्रसाद लेके आई थी, तो वो भेजी है नारियल और मिठाई ये सब, तो वो खुद बना के प्रसाद चढ़ाई है ना, खुद मिठाई बनाई है घर पे, तो वो मिठाई सच में बहुत टेस्टी था, और पूरा ख़त्म भी हो गया था, थोड़ा सा बाकी है, आप सब भी आके खा लीजिए। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, तो फुल वॉच करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।